पठान का कम हो रहा फैंस के बीच क्रेज। शाहरुख खान की फिल्म ने कलेक्शन में गिरावट के बाद 14वें दिन की इतने करोड़ की कमाई। जानेंगे पूरी जानकारी, तब तक आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। शाहरुख खान स्टार पठान की 13वें दिन की कमाई की बात करें तो रविवार यानी फिल्म के दूसरे रविवार के मुकाबले आधे से भी कम रहा है। वहीं 14वें दिन यह आंकड़ा और कम हो गया है। बॉलीवुड के किंग खान यानी शाहरुख खान की पठान का जलवा खत्म नहीं हुआ है। रिलीज के 14वें दिन भी पठान ने करोड़ों की कमाई की है, जिसके चलते फैंस खुश हैं। हालांकि धीरे धीरे फिल्म की कमाई पर असर पड़ना शुरू हो गया है। इसी बीच नए आंकड़ों के अनुसार शाहरुख खान की पठान ने 535 करोड़ की कमाई कर ली है। वहीं वर्ल्ड वाइड भी फिल्म की कमाई में बढ़ोतरी जारी है। इसके अलावा फिल्म के आंकड़े ने आमिर खान की दंगल को भी काफी पीछे छोड़ दिया है। पठान की 14वें दिन की कमाई की बात करें तो मंगलवार को फिल्म की कमाई में 7% की गिरावट देखने को मिली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म ने 14वें दिन 8.15 करोड़ की कमाई की है, जिसमें से 7.95 केवल हिंदी का है। वहीं हिंदी भाषा में कमाई की बात करें तो ऑल इंडिया नेट कुल 430.70 करोड़ की कमाई की है, जबकि सभी भाषाओं को मिलाकर अब तक पठान ने 446.60 करोड़ की कमाई की है। वहीं मंगलवार यानी 14वें दिन की कमाई मिलाकर ऑल इंडिया ग्रॉस 535 करोड़ हो गया है। वहीं वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो शाहरुख खान की फिल्म ने 870 करोड़ की कमाई करने की बात सामने आ रही है। पठान के 13वें दिन की कमाई की बात करें तो रविवार यानी फिल्म के दूसरे रविवार के मुकाबले आधे से भी कम रहा। इसमें 40% तक की गिरावट देखने को मिली है। आंकड़ों के मुताबिक फिल्म ने 9-10 करोड़ रुपए तक की कमाई की थी, जिसके बाद अब 14वें दिन यह आंकड़ा कम हुआ है। बता दें, शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम स्टार फिल्म पठान ने महामारी में कई बंद पड़े सिनेमाघरों का दरवाजा खोल दिया है। वहीं फिल्म ने कई रिकॉर्ड्स भी तोड़ दिए हैं।